गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मुसाफिर किड। और फिलहाल मैं हूँ गुड़गांव में अपने रूम पे और अभी मैं निकल रहा हूँ बरसाना की तरफ। आज 17th of March और हमें पहुँचना है बरसाना करीब 2-3 घंटे में जैसे भी, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें शुरू होने वाली है। क्योंकि हम पहले जा नहीं पाए क्योंकि मेरा काम वगैरह था, तो अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, सोए भी नहीं है। आँख में आपको दिख रहा होगा नींद भरा हुआ है एकदम, बट फिर भी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज जहाँ पहुँचना है हमें। सो फटाफट से निकलते हैं, ऑलरेडी सब रेडी हो चुका है और साथ में मेरे एक फ्रेंड जाने वाला है, उससे आपको थोड़े देर में मिलवाते हैं नीचे जाके। सो अभी हम आ चुके हैं नीचे और धूप निकल गई है और अभी हम भी निकल रहे हैं और अपने साथ है अभिनव सर, ये अपने कॉलेज के फ्रेंड है, ये भी रहते हैं दिल्ली में, तो ये भी अभी फ़िलहाल ट्रैवल वगैरह करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, आपका इंस्टाग्राम आई डी बता दें। कुमार अभिनव 58। तो अभी साथ में हम निकल रहे हैं और होपफुली आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और ये मेरे बनेंगे पिलियन। बस हम लोग मज़ा करने वाले हैं आज बरसाना में, होली खेलेंगे, रंग बरसाएंगे और गुलाल उड़ाएंगे। तो लेट ना करते, फटाफट से निकलते हैं रोड पे। सो ऑल सेट, अपना मैप लग चुका है और अपने पिलियन रेडी है, सो लेट्स गो। बहुत टाइम के बाद भाई फिर से राइड पे, मज़ा आने वाला है बहुत। और आज का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा साफ है, भगवान अपने साथ है, बारिश वगैरह नहीं हुआ है। सो ट्राई यही रहे कि जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए बरसाना पहुंच के। और एक चीज़ ये है कि हमें रूम का भी देखना है कि रूम का सीन क्या है, क्योंकि हमने कहीं बुकिंग वगैरह किया नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा सो हो रहा था अभी के डेट पे। तो लास्ट टाइम मैं जहाँ पे रुका था गोवर्धन में, फ़िलहाल प्लान वही है कि गोवर्धन में ही जाके रूम लेने का। अब देखते हैं रास्ते में अगर कुछ बेटर मिल जाता है तो वो भी देख लेंगे। और सुबह सुबह राइड पे निकलने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि रोड पूरे खाली मिलते हैं, स्पेशली जब आप गुड़गांव में रहते हो। थोड़ा सा डे लाइट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर भीड़ जो होगी बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अभी जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि मतलब चीज़ें ऐसे हो रही है ना कि अपने आप ही सब सेटल हो जा रहा है। जो चीज़ लग रही है कि शायद नहीं हो पाएगा या फिर दिक्कत होगी, बट हो जा रहा है, क्योंकि शायद भगवान को यही चाहिए। सो वी आर ऑन द हाईवे राइट नाउ और सनराइज़ देख रहे हो, क्या ही खूबसूरत हो रहा है। पता नहीं कितने दिनों बाद जाके सनराइज़ देख रहा हूँ मैं। ओह, जो अभी हवा लग रहा है ना, नींद आ जा रहा है भाई सही में, इतनी मस्त हवा चल रही है। मन कर रहा है सो जाते हैं थोड़ा सा, बट नहीं कर सकते, वो अपने को पहुँचना है। और हमें होके जाना है सोहना होके, जो कि यहाँ से है करीब और 12 किलोमीटर्स, हाईवे ख़त्म हो जाएगा आई थिंक सोहना के बाद से। और ये कुछ सुपर बाइक्स वगैरह जाते हुए बहुत ही तेज़ी से। सो अब हाईवे छोड़ के आ चुके हैं गांव वाले रास्तों में, और ये जो अभी रास्ते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उतना क्राउड भी नहीं है, सुबह का टाइम है और दोनों तरफ आप देखते हो, इधर भी खेत है, इस साइड भी खेत है। सो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल मज़ा आ रहा है राइड करने में। और यहाँ से करीब रह गए हैं 80 किलोमीटर्स और लगेंगे करीब मैक्स 1.5 आवर्स, बट उस बीच हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक। सो यहाँ पे कुछ आसपास दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है वैसा खाने पीने का। सो देखते हैं आगे जाके कुछ मिलता है तो डेफिनेट रुकेंगे। और क्या व्यू आ रहा है भाई, गजब। और हर बार की तरह इस बार भी मुझे कुछ दिखा है खाने के लिए, लेकिन मैं उसको छोड़ दिया हूँ पीछे, थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा बैक। और यहाँ पे एक ढाबा जैसा कुछ दिखा है, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने वगैरह तो लग रहा है ब्रेकफास्ट का मिल ही जाएगा। और ये आई थिंक न्यू खुला, काफ़ी सही लग रहा है, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हम रुके हैं यहाँ पे एक ढाबा,
और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा एक ढाबा दिखा हमें रास्ते में, और यहाँ पे अपनी बाइक, और यहाँ पे बैठे हैं अभिनव भाई, और यहाँ पे हूँ मैं। हमने ऑर्डर किया अभी ऑनियन पराठा और एक बर्गर और दो चाय। तो कैसा लग रहा है गांव वाला एरिया? काफ़ी बढ़िया लग रहा है, गांव से ही आते हैं हम भी तो ये सब एरिया तो दिखा हुआ है। आगे और भी गांव मिलेगा? आगे और भी गांव मिलेगा, गांव से उधर गुजरना है, यही हरे भरे रास्ते हैं। पॉल्यूशन कम मिलेगी। हाँ, पॉल्यूशन कम मिलेगा बस पहले, ना के बराबर एयर फ्रेश मिलेगा, फ्रेश एयर मिलेगा। और यह आ चुका अपना ऑनियन पराठा। तो लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं, और यहाँ से अब हमें लेना है डाइवर्जन। अब हाईवे नहीं मिलेगा, अब करीब रह गए हैं 15 किलोमीटर्स यहाँ से डाइवर्जन लेते हुए। अब हमें जाना है गांव की तरफ परसाना, और यहाँ पे जाम शुरू होता हुआ एज़ आई प्रेडिक्टेड, पता था मेरे को यही होगा। ओए होए 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 होए, ऑलरेडी हम लेट हैं, शिट यार। हमें पहुंचना था 10:30 बजे, हम पहुंचेंगे करीब 12 बजे, दिखा रहा था। अरे भैया जी क्या कर रहा है? ओ भैया का जी कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हैं? तो अभी हम पहुंच चुके हैं नंदगांव, और नंदगांव में होली मनाई जाएगी 19th को, बट हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो देखते हैं, फिलहाल पता नहीं। और यहाँ से बरसाना रह गया और 13 किलोमीटर्स। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं मथुरा के साइड से आया था, तो पहले बरसाना पड़ा था फिर नंदगांव पड़ा था, बट अब हम जैसे गुड़गांव की तरफ से आ रहे थे तो पहले नंदगांव पड़ेगा फिर बरसाना पड़ेगा, तो इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया। वाओ वाओ वाओ, काफ़ी बड़ा मूर्ति है ये, क्या बात है। कौन सा भगवान है ये? मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा भगवान है ये, अगर किसी को पता है तो कमेंट से बताओ भाई, मेरे को तो समझ नहीं आया कौन सा भगवान है ये। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब हमें यहाँ पे ना होटल दिख रहा है ना कुछ टेक ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम वापस गोवर्धन गए स्टे के लिए तो आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, बट कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे खेत है, बस खेती है, बस खाली एक दो मंदिर है छोटा मोटे, बस दिक्कत हो गई भाई। भाई साहब गलत जगह फंस गया यार, शिट 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 शिट। चल चल भाई चल भाई चल भाई, पूरा ट्रैफिक के बीच से को जाना पड़ेगा। तो पहुंच चुके जहाँ पे हम रुके थे पहली बार, वहीं पे आए रूम के भरोसे, मिल जाना चाहिए। लेट्स सी, आ जा आ जा आ जा। कैसी बना रहा है? तो पहुंच गए, चलो फिलहाल अभी हमें यही मिलने वाला है। ये लास्ट टाइम हम रुके थे ये वाला रूम पे, नहीं दूसरा रूम पे रुके थे, बट अब जो मिल रहा है वही लेना पड़ेगा, अभी टाइम नहीं है अपने पास। तो ये अभी फिलहाल का सीन, सामान रखो और फटाफट निकलो, सामान फेंको फेंको सामान। सो ये वीडियो यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो आपको दिखेगा कि हम आगे क्या किए, क्या हुआ आगे जाके। और आज
लड्डू मार होली, देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं वो, यहाँ से लगेगा फिर 25 मिनट के आसपास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय। नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, ये वीडियो पर नहीं मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।